नमस्कार। जन सरोकार मंच द्वारा शुरू की गई साक्षात्कार श्रृंखला में जो FB लाइव के साथ आपके तक पहुंचेगी, इस श्रृंखला का नाम दिया है हमने आपकी मेरी बात। और बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे जिले के प्रतिष्ठित साहित्यकार, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ही नहीं, आज भी वो लेखन से जुड़े हुए हैं, भाई श्री हनुमान प्रसाद बौरा साहब, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम में। और आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका जन्म, आपकी शिक्षा, फिर आपका परिवेश टोंक से कैसे जुड़ा रहा, थोड़ा सा बताएं जी। सर्वप्रथम अपने अशोक जी, श्री अशोक जी सक्सेना साहब का धन्यवाद, और अपना मंच जी जन सरोकार मंच उनके सभी कार्यकर्ताओं का और सभी प्रेमियों का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि होली के पावन पर्व पर उन्होंने मुझे याद किया जी। और मेरा जन्म टोंक में ही हुआ। पंडित गिरधरदास जी बौरा सुधाकर के नाम से प्रसिद्ध कवि जी और उर्दू में भी लिखने वाले कमर के नाम से प्रसिद्ध शायर थे, उनके घर 1948 में मेरा जन्म हुआ। क्या बात। मैंने MA और BEd किया, उसके बाद में हिंदी का प्राध्यापक टोंक में ही रहा। अच्छा। और 2008 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। साहित्य से मेरी प्रारंभ में ही रुचि रही, क्योंकि पिताजी को कवि सम्मेलनों आदि में देखता था। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर यहाँ अखिल भारतीय बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुआ करते थे कलेक्ट्रेट के मैदान में। जी, जी। तो 10-12 साल की आयु से ही मुझे भी वो शौक लग गया। कुछ पिताजी के सानिध्य में मैंने कविताएं लिखी और वो मंच पर प्रस्तुत की। तभी से एक लगन और एक शौक मेरा ये शुरू हो गया जी, और मैं लिखता चला गया। तो शुरुआत में क्या आप सीधे, तो उस दौर में तो श्रृंगार और हास्य दो बड़ी प्रबल विधाएं थी, तो आपका रुझान किधर रहा ज़्यादा? पहले सबसे पहले रुझान तो चूंकि स्वतंत्रता दिवस पर कवि सम्मेलन था जी, जी, तो वो भारतीय और राष्ट्रीयता को लिए हुए मैंने कुछ कविताएं लिखी 2-3। उसके बाद जब मैं कॉलेज में, महाविद्यालय में गया जी, तो वहाँ पर फिर श्रृंगार रस मेरा प्रारंभ हो गया। और श्रृंगार के रस में साथियों के साथ वो रिक्शे में रेखा ने आंचल संभाला, रे मार डाला, रे मार डाला, यहाँ से शुरुआत हुई। तो वो मेरे जितने सीनियर्स थे वो मेरे चहेते और मित्र बन गए, और उन्होंने जब मुझे प्रोत्साहित किया तो मैं आगे उसी श्रृंगार रस में बढ़ता गया। लेकिन ये विद्यार्थी जीवन की बात थी। अब अगर वो रचनाएं पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं क्या बात है, वापस जवान होना चाह रहे हो क्या? नहीं नहीं, जवान होना बुरा नहीं है बोरा साहब। बात यह है कि हमने जिस एरा में हमने शुरुआत की और उस एरा में जैसा लेखन किया जाता रहा था, आपने भी वही किया, लेकिन उसको हम विस्मृत नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि उसको हम डिवेलाइज नहीं कर सकते, वो भी एक साहित्य की विधा रही, सोच की विधा आज भी है। गजल तो प्रमुख रूप से उसी विधा में ज्यादा सामने आती है, तो ऐसी कोई बात मत ना सोचिए आप। प्रोत्साहन मिलता था, अगर आप जवान हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारे वीर सक्सेना साहब बाहर से आते थे कवि, अब वो सुनाते थे, देवो जी हर बात पर ही नाराज नहीं होते हैं, हर रात को इनकार नहीं करते हैं। जी, उन जी। लोगों से प्रोत्साहित होकर के अब एक बार जो संयोजन कर रही थी वो एक महिला कॉलेज की लेक्चरर कर रही थी, उन्होंने मुझे इस रूप में आमंत्रित किया कि जो मुझे बहुत देर से देखे जा रहे हैं, मैं उन युवा कवि हनुमान प्रसाद को बुलाती हूँ स्टेज पर। तो मुझे भी कुछ कहना ही था, तो मैंने उनसे ये कहा कि हार अपनी जीत में भी बदल सकती है और रार अपनी प्रीत में भी बदल सकती है, सामने बैठकर जो मुस्कुराओ तो आज की रात की उम्र बीत सकती है। बहुत अच्छा। तो ये सारी प्रेरणा हौसला मिला मुझे वीर सक्सेना साहब से, क्योंकि जब उन्होंने ऐसी रचनाएं पढ़ दी तो फिर
मुझे कोई श्रृंगार के बहुत अच्छे थे, गीत का जमाना था, गीत का जमाना था। सही कह रहे हैं आप, अब तो नहीं है, हम तो उनको नमन ही कर सकते हैं जी, हमें छोड़ गए वो, लेकिन उनकी याद और उनका लेखन तो सदा लेखन उस समय हमारे बीच रहेगा, बीच रहेगा। तो गौरव साहब, बात यह है कि जब आप इस रास्ते पर चल ही पड़े, तो थोड़ा आगे जाके कहीं आपने ये तय किया होगा कि लेखन की कई विधाएं हैं जी, तो उस विधा में कौन सी विधा में आपको ज़्यादा संतुष्टि या अपनापन लगा, या ऐसा लगा कि इस विधा में मैं ठीक से ज़्यादा अपनी बात कह पाऊँगा, तो वो थोड़ा बताएं। बात ये थी कि उस समय चूंकि कवि सम्मेलनों का दौर हुआ करता था जी, और एक उद्देश्य और लक्ष्य यह रहता था कि जो श्रोतागण हैं वो टिके रहें, वो कहीं हुटिंग नहीं कर दें, और वो श्रोतागण उन्हीं बातों को पसंद करते थे जो श्रृंगारिक होती थी, इसलिए वो श्रृंगार रस ही उस समय चला। और उसके बाद जब अध्यापक मैं सर्विस में आ गया, तो फिर मैंने अपना थोड़ा सा धारा बदल लिया कि ये बच्चे भी उस भीड़ में होते हैं, ये कल क्या कहेंगे कि गुरुजी क्या पढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने अपना ढंग बदल थोड़ा करके देश की समस्याओं पर इन पर, और जैसे पांच जन्य में भी मेरे कुछ आर्टिकल्स छपे, ब्रिड्स में भी छपे, कादम्बनी में भी छपे, सरिता में भी छपे, तो मैं उस धारा में फिर राष्ट्रीय सोचने लगी। ये एक बड़ी बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, कम शब्दों वाली विधाएं, जैसे आपकी रुबाइयां हैं, जैसे मुक्तक हैं या कुछ छंद हैं जी, तो ऐसा कोई भी रहा आपका क्षेत्र? हाँ, ऐसे मैंने दो दो पंक्तियों के अंदर शेर लिखना प्रारंभ किए हैं, और कुछ शेर में इस तरह के लिखता हूँ कि जो अपने गूढ़ार्थ रखते हैं उनको सीधे और सहज समझना मुश्किल है। बड़ी बात है, वो ऐसे ही मैच्योर लोगों के लिए है, जिसे लेकिन बड़ी बात है कि आसान, बड़ी बात को आसान शब्दों में मैं कह देता हूँ। जी 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 जी, तो ये तो बहुत सुंदर बात रही। अब इसके बाद क्या कि प्रसंग आप शुरुआत क्या है कि मानस ये था कि इस प्रोग्राम को लेकर कि होली सामने आ रही है हमारे, और आप जैसा साहित्यकार और रचा बसा आदमी जनजीवन का, उससे भी कुछ ऐसी बात की जाए ताकि टोंक की होली क्या होती थी और आज क्या उसका वर्तमान स्वरूप है, तो हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे, हमारे श्रोता तक ये बात पहुँचाना चाहेंगे कि आपने तो रियासत काल भी देखा है जी, उसके बाद की भी स्थितियाँ देखी हैं, राजतंत्र प्रजातंत्र दोनों देखे हैं आपने, तो क्या स्थितियाँ रहीं, क्या कुछ बताइए सब। मेरा निजी अनुभव ये रहा कि आज से 50 वर्ष पूर्व जी जी जो जन सामान्य था ठीक है, वो बड़ा सहज जीवन जीता था ठीक है, उसके मन में भोलापन था और सारी बातों को वो मनोविनोद के रूप में लेता था। पहले टोंक के अंदर खुले शब्दों में होली की गालियां गाई जाती थी, होली के गीत गाए जाते थे, गाँव में और गाँव में है, और ये अपने फुलेरा दोज होती है, यहाँ से हर मोहल्ले में एक टोली बन करके हर मोहल्ले मोहल्ले में रातों को जो है गीत गाते जी, थे जी, चंग के ऊपर होता था, कहीं कहीं हारमोनियम उपलब्ध हो जाता था, हारमोनियम भी होता था, लोग चंग बजाते और गाते थे। वैसे तो बसंत पंचमी से ही होली का मान लिया जाता है, और फिर उसके बाद में माघ शुक्ला पूर्णिमा को यहाँ एक बुटोलियों का पहाड़ है, उसके ऊपर एक झाड़ काट बबूल का एक लकड़ी काट करके उसे गाड़ दिया जाता था, तो उसे कहते थे होली का डंडा रोक दिया गया। और उस जमाने में पहले होली के दिन वो जलता था, उसकी आग देख करके नीचे के लोग, और फिर अपनी होलियां जलाते थे और पूजन करते थे, वो प्रतीक था, वो टाइम था। उस समय लोगों के पास इतनी घड़ियां भी नहीं थी, कोई मुहूर्त भी नहीं थे, तो बस वो ये देख लेते थे भाई वहाँ, इसलिए ऊंचा डांडा गाड़ा जाता था कि ये जलेगा तब अपने मोहल्ले के सबको पता पड़ जाएगा, अच्छी व्यवस्था तो बड़ी। अब आज का पढ़ा लिखा आदमी उन शब्दों को अश्लील कहता है ठीक है, और बड़ा नाराज भी हो जाता है सुनकर के अगर कौन, लेकिन उस समय
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी गाते थे, सुनते थे और मन में किसी प्रकार की ग्लानी नहीं होती थी, कोई नाराजगी नहीं होती थी, एक मनोविनोद होता था कि होली पर तो यह चलता है, मतलब सोच की संकेतता बहुत पढ़े लिखे लोगों में पढ़ना ही ये शिक्षा का, और वो शिक्षित लोग जो हैं वो बड़े भावुक होते थे, सहज रूप से जीवन जीते थे। अब उस समय क्या हुआ साहब कि जब बिल्कुल शब्द खुले होते थे तो मेरे पिता श्री ने ये देखा जी, तो उन्होंने इसमें थोड़ा परिवर्तन किया, ठीक है, कि ये तो चलने से ये जो भावी पीढ़ी आ रही है ये भी अश्लील हो जाएगी, तो इस भय से उन्होंने सारा साहित्य श्रृंगार के रूप में बदल दिया, सारे गीतों को गालियां वो ही रहीं लेकिन श्रृंगारिक रूप में रहीं, और उनको बड़े इस तरह से लिखा गया कि राधा और कृष्ण का प्रतीक बना करके उनको और उनके प्रेम में सारा वो डाल दिया गया। पहले यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी होती थी, पुरानी टोंक का दल अलग था और बड़े कुए तख्ते का दल अलग था, ये दोनों होली से कुछ दिन पहले आमने सामने होते थे चंग ले लेके अपने, और कम से कम 50-50 आदमी एक एक टीम में होते थे, वो एक अपना एक गाली गाते थे, इधर पुरानी टोंक वाले भी सुनाते। तो मुझे एक समय की बात याद है कि जब ये प्रतियोगिता चल रही थी और पुरानी टोंक का जो नेतृत्व करते थे वो मेरे पिताश्री करते थे, तो उन्होंने ये सोचा कि अब ये तो पूरी तरह से मतलब खुले शब्दों पर आ गए, अब इनको थोड़ा सा ढक कर के अपन द्विअर्थक एक गाली लिखते हैं। तो उन्होंने शादी विवाह के एक का एक अवसर देख करके लेकर के और उन्होंने ये गाली लिखी, लगवालियों ने ब्यायण मेहंदी लाया चा छोका रंग की, मैं आया छाए समधन सुन सुन कर शोभा थारा अंग की, और ये लिख करके पूरा इसमें उन्होंने सारा द्विअर्थक महत्व दिया और अंत में ये लिख दिया कि माँ की बाता सुन सुन ब्यायण धोको मन में मत ल्याई जो आपनी तो बाता छे कोरा प्रेम प्रसंग की, ये लिख करके उन्होंने उसको स्थिति कर दी। लेकिन बड़ा साहस भी किया भाई, जिसे कह रहे हैं बौद्धिकता पूर्ण, बौद्धिकता पूर्ण करने से तख्ते वालों ने बड़े पूर्ण उस रचना को बहुत पसंद किया कि साहब आपने कितनी सफाई से सारी बातों को काट दिया और अश्लील शब्द एक भी नहीं आया, रूप बदल गया सारा राधा और कृष्ण का जो है उन्होंने श्रृंगार लिखा है। और फिर उन्होंने यहाँ से प्रारंभ करके उसको इस रूप में भी ढाल दिया कि अंत में वो यहाँ तक ले आए कि भक्ति भावना से उत्प्रेरित कर दिया लोगों को। तो उन्होंने लिखा, महल पधारो मार होली खेलने नंदलाल बना मार महल पधारो जी। तो अब उसको लिखने के बाद में उन्होंने ये भी लिखा कि वो चूंकि अद्वैतवादी थे तो हाँ, तो उनकी मानसिकता ये थी कि यही होली है अपनी, हाँ याद प्रीतम की जपनी, पहन सुधाकर तन पर कफनी, कर विषयन से जंग, उड़त है मन मंदिर में मन मोहन संग रंग। क्या बात ये इस तरह की गालियों थोड़ा सा भक्ति मार्ग पे लिया, भक्ति मार्ग से भी मुझे ऐसा लगता है ज्ञान मार्ग पर लिया है। हाँ, ज्ञान मार्ग या सूफिज्म की तरफ लिया है, अपने भीतर ही कृष्ण बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ मेरा ये चल, क्योंकि मॉडर्न कल्चर में भी ये दिखाई देता है, जैसे निजामुद्दीन मौलिया साहब के यहाँ होली है, रंग है, तो वहाँ भी इस तरह की हमें अपने लेखन से हम दो चार होते हैं। लेकिन आपके पिताश्री ने ये किया, ये तो कमाल है, बहुत बड़ी बात है। और ये मैं तो कहता हूँ कि ये अगर आपसे निवेदन है कि ऐसा कोई साहित्य है तो आप उसको ये नौजवान पीढ़ी को, तो आप कोई प्रोग्राम करते हैं ऐसा तो उसमें सामने लाइए प्लीज़, ताकि देखिए लेखन सब कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन एक दिशा से जुड़ा हुआ लेखन बहुत कम दिखाई देता है आजकल। समस्या ये आ गई सर कि ये जो कुछ उन्होंने लिखा ये उन लोक धुनों पर लिखा जो मन को सीधी सीधी स्पर्श करती है,
और आज का जो लेखन चल रहा है जी जी। वो चल रहा है फिल्मी धुनों के ऊपर जो कि अल्पकालिक होती है, टेम्परेरी होती है। सही, ये फिल्मी धुनें बहुत कुछ समय, एक साल छः महीने तक पॉपुलर रहती हैं, उसके बाद फिर दूसरी नई आ जाती हैं। लेकिन ये लोक धुनें तो अमिट हैं, ये तो ये कालजयी हैं, ये हमेशा याद रहेंगे। याद रहेंगे, बिल्कुल सच कहा आपने। तो ये एक तो इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये जो होली का संदर्भ अब चल रहा है, इसमें ऐसी कौन कौन सी टोलियाँ थीं अपने शहर में उस ज़माने में जो आपने देखा? हाँ साहब, उस ज़माने में बड़े बड़े लोग जो कि बड़े व्यापारी थे, जैसे श्री गिरिराज जी खाड़िया थे, सुभाष अच्छा। बाजार पर उनकी दुकान है। राधेश्याम जी जाजू थे, जो बर्तनों की दुकान सुभाष बाजार पर है जिनकी जी, जी, और श्यामलाल जी भंडारी थे अच्छा। जो चंग के और हारमोनियम और बेंजो के महान कलाकार थे। उन जैसा हारमोनियम तो आज कोई टोंक में बजाने वाला क्या लेता, उनकी तो यादें रह गई। तो ऐसे लोग और उनके साथ में आसपास के और सब लोग जुड़ जाते थे, जो उनके साथ में गाया करते थे बराबर। ठीक है, तो सबसे बड़ी सुंदर बात आपसे जो जानकारी मिली अपने दर्शकों को भी और इस मंच को भी, कि किस तरह से होली को पिताश्री ने ऐसे रंग में रंग दिया जो ज्ञान मार्गी भी हो गई, सूफिज्म की तरफ चली गई, और श्रृंगार का भी एक ऐसा अर्थ सामने ला दिए। श्रृंगार की भी अपनी एक, जिसे कहना चाहिए उन्होंने, श्रृंगार होता क्या है वास्तविक, जो अंदर से निकल के आता है और कितना पायस है, सबसे खूबसूरत बात उनकी ये रही जी। अब इसी के साथ कहूँ कि आप ऐसे नहीं हैं व्यक्ति जो घर बैठ गए हों, अभी भी आप चेतनाशील हैं, आप प्रोग्राम्स में जाते हैं, कवि गोष्ठियों में जाते हैं, साहित्यिक विधाओं पर जब चर्चा होती है तो आपकी उपस्थिति देखी जाती रही है। तो थोड़ा सा एक, एक समसामायिक प्रश्न है आपके साथ, कि वो सब आपने लिखा अपने रचा बसा जीवन में, और आज जो संदर्भ हैं, क्योंकि कविता जैसे है तो उसने बहुत सारे रूप बदले, 60 के बाद तो बहन की आंधी आ गई, यहाँ तक कि कविता गद्य कविता भी होने लगी जी, हुई है, हो रही। ठीक है, तो आप इन सब को लेके क्या सोचते हैं? ये क्या है कि जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होता गया जी, बौद्धिक होता गया, तो उसको कविताओं में भी अब भावना की जगह बौद्धिकता की आवश्यकता, अपेक्षा हो गई जी, कि ठीक है ये सुनते हुए तो वो कहने सोचने लगा आज का आदमी कि ये सब, ये कमल का फूल है, ये चांद की तरह इसका चेहरा है, ये सुनते सुनते तो हम उब गए, सही, बोर हो गए। सही, अब उसने ये सोचा कि हाँ, इसकी जगह अगर किसी ने ये लिखा कि आदमी की जिंदगी क्या है, एक जली हुई सिगरेट का टुकड़ा जिसने चाहा पेड़ से कुचल दिया और फेंक दिया, ठीक है, तो आज का बौद्धिक व्यक्ति बड़ा उसको गहराई से ले रहा है, और पढ़ा लिखा नौजवान ने सोचा है कि ये है कविता। नहीं, आपका दृष्टिकोण क्या है? और मेरा दृष्टिकोण तो ये है कि जो मिठास और जो रस, ठीक है, पद्माकर आदि की कविताओं में मिलता है, अब उनकी कविता में रस तो नहीं, रस तो नहीं है, बौद्धिकता है, बौद्धिकता है। जिनको बुद्धि प्रिय है, बौद्धिकता प्रिय है, वो आज की कविता। इस परिवर्तन के पीछे क्या सोच है? परिवर्तन तो होना चाहिए जी, और परिवर्तन होगा तो वो हमारे साहित्य का विकास होगा, साहित्य का भंडार बढ़ेगा, और हमारे धर्म की भी यही विशेषता है कि सनातन धर्म में सभी तरह के मत हैं और सभी तरह के पंथ हैं। भाई जिसको जो अच्छा लगता है वो उसे अपना लो। नहीं, नहीं, तो वो भी साहित्य में भी वो ही है कि जिसको बौद्धिकता पसंद है वो आज की कविता ले लो, जिसको अगर 80 साल 100 साल जिसको माना गया है साहित्य, उसको नकारा तो नहीं जा सकता, नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब उसमें लोग ये चाहते हैं कि कुछ नयापन होना चाहिए, क्योंकि जाम और साकी कब तक सुनते रहे, कब तक सुनते रहे। एक बात मेरे आपसे व्यक्तिगत रूप से कहना चाहूंगा, आप अपना विचार दीजिए प्लीज, कि मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो जीवन की जो सहज स्थितियाँ थीं, चाहे गरीबी थी, हमारी आवश्यकताएं कम थीं, लेकिन जीवन में एक दौड़ कम थी,
जी। अब वो दौड़ बढ़ने से ऐसी स्थितियां ज्यादा आ गई आम आदमी के सामने कि लगातार संघर्ष रहता है जी। ऐसा लगता है तो जहां लगातार रेस है, लगातार संघर्ष है, जिज्ञासाएं बहुत हावी हैं मानसिकता को लेकर, अपने आजीविका को लेकर, और शोषण और दमन, ऐसी स्थितियां भी सामने बहुत आती हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी क्यों ना हो, वहाँ भी आदमी अपने आप को बड़ा दबाव में महसूस करता है। तो उसकी इस मानसिक स्थिति के साथ अगर ये जो कविताओं में बदलाव आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या वो इसको रिलेट कर रहा है या ये अलग तरह का जबरदस्ती एक फंडा चल गया है? अब ये है साहब के ये कविताओं के जी अपने आकर्षण के ऊपर निर्भर करता है जी, जी, जी। बहुत सी कविताएं तो जो ये नई कविता चली है, प्रयोगवादी कविताएं चली हैं, इनमें भी इतना मिठास भरा हुआ है जी, जी। जैसे अज्ञे ने लिखा है, और सांप तू शहर में तो बसना आ गया, रहना तो तुझे आया नहीं, नहीं छोड़ा अभी तक डसना। तो अब ऐसी कविताओं में बड़ा आदमी कितना व्यस्त हो जाए उसे ये लगता है कि मेरे मन की बात लिखी है, लिखी अज्ञान ने। तो आज जो कविता है मतलब वो आदमी के मन के करीब है, मन के करीब। आप कुछ कुछ कविताएं तो वास्तव बिल्कुल ठीक है, ठीक है। वो तो अगर क्या इन दोनों आपने भी कुछ ऐसा कुछ लिखा? मैंने कभी कभी ताकि हमारे श्रोता उसको भी आनंद ले सकें, मैं सीख सकें कुछ। मैंने जो कुछ कभी कभी लिखा जी जी और लिख करके और थोड़ा मैंने उसको न तो प्रकाशित करवाया और न फैलाया, नहीं, आज मौका है थोड़ा सा नवाज दीजिए। वो क्या है कि उस संबंध में फिर कभी जो है अपन चर्चा करेंगे जी। आज जी। तो होली का प्रसंग है तो पद्माकर को याद कर लेते हैं कि जहाँ कृष्ण आए और होली का रूप उन्होंने देखा तो पद्माकर ने लिखा कि भाई करी मन की पद्माकर भीतर ले गई शाम को गोरी, मतलब आराम से उसे कमरे में ले गई और नैन नचाए कहो मुस्काए लल्ला फिर आइयो खेलन हो रही। तो इस तरह के होली का जो प्रसंग है अपने वैसे भी वो जो पौराणिक स्थितियां हैं कि वो आग में बैठ गई और ये प्रहलाद बच गए और ये एक अलग बात है, वो तो दूसरी बात। उस पर मैंने थोड़ा सा एक ये लिखा था जी, वो अभी मेरे पास पेपर नहीं है, उसके लिए मैंने ये संदेश दिया था अपनी कविता के माध्यम से कि ये एक प्रतीक है जी, जी। होली का मतलब ये है कि जो काम में डूबा रहेगा, जो काम वासना, ये गाली, मुझसे किसी ने पूछा था कि साहब ये होली जलती है जब लोग गालियाँ क्यों बकते हैं, तो मैंने उनसे कहा कि भाई शास्त्र में ये कहा है कि ये होलिका को ये भी जहाँ वरदान था कि तुझे अग्नि नहीं जला सकती, वहाँ एक शर्त भी थी कि जब अगर तुम्हें काम जागृत हो गया तो फिर ये अग्नि जला सकती है। तो उसमें काम जागृत करने के लिए ये गालियाँ खुली बकी जाती हैं जिससे कि ये काम जा। अब हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें भी वासनाएं और काम जागृत हुआ तो हम भी होलिका की तरह बच जाएंगे, मतलब आग और काम को समान अर्थ में लाके खड़ा कर दिया। और अगर प्रहलाद की तरह हमारी जो मंशा है, हमारी जो भावनाएं ईश्वर के प्रति बनी रही, तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, मतलब आस्था आस्था को जन्म देना, आस्था को। ये एक मैंने पुराने जमाने में थोड़ा सा ये भी तो बताएं कि पकवान क्या क्या बनते थे। हाँ साहब, यहाँ का टोंक का तो जो सिलसिला है वो चूरमा बाटी का सिलसिला है। अच्छा। यहाँ पर चूरमा बाटी जरूर बनाए जाते थे होली के दिन। वो धुलंडी के दिन कुछ लोग धुलंडी को बनाते थे 12 बजे तक होली खेल करके, और कुछ लोग जो है होली पर ही बना लेते थे। धुलंडी पर यह होता था यहाँ पर कि हर समाज के अलग अलग व्यक्ति इकट्ठे होते थे और सब इकट्ठे होकर के अपने समाज के प्रत्येक घर पर जाते थे और वहाँ पर चंग के एक गाली गा करके फिर दूसरे घर पर जाते थे। जिसके वो घर पर जाते थे वो उन्हें चाय नाश्ता वगैरह उनका सत्कार करता था जी, जी। तो ये एक परंपरा तो यहाँ पर उस जमाने में तो अब भी है थोड़ा बहुत, कहीं देखता हूँ कि कुछ कुछ घरों में कि वो क्या कहते हैं ठंडाई के नाम से वो भांग वगैरह कुछ होती थी,
तो उसका क्या रिवाज था, वो कैसे, क्या बनती वो, थी वो भंग का जो है चलन, ये तो अपने उत्तर प्रदेश यूपी सब जगह पर इसका है जी। और वो भंग पीकर के लोग बाग अपनी चेतना को कुछ समय के लिए विस्मित हो जाते थे, क्योंकि ये होता क्या था, इस रंग में लग जाना, क्योंकि जब हम पढ़े लिखे लोग जाकर के उनके बीच में खड़े होते थे तो हम तो चुप रह जाते थे, बोल ही नहीं पाते, तो वो थोड़ी सी भंग जो है हमें भी पिला के तो वो वहां से माइंड ये डाइवर्ट हो जाता था कि हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये थोड़े उन क्षणों को आप भी उत्साह से उसको आनंद लिया। और पिताजी ने ये लिखा था इस पर, इसका भी वर्णन किया था, आछी जहरीली घुटवाई रे मारा शाम भांगड़ली, तो उसमें तो वो भंग का तो यहाँ भी प्रचलन इसी तरह था कि भाई थोड़ी सी पी लो जिससे आप अपने जो अपनी जो गरिमा है, गौरव है, स्वाभिमान है, प्रतिष्ठा है, उसको थोड़ी देर के लिए या शांत कर दो, सामान्य हो जाए, सामान्य हो जाए, फिर ये निमट जाए होली, उसके बाद वापस आप होके वही हो जाना। नहीं अब तो सब बड़ा विकृत सा रूप हो गया है इसका। अब ये विकृतियाँ तो समय के साथ एक हमारा थोड़ा सा दृष्टिकोण नजरिया बदल गया। अच्छा, वो देखने का नजरिया है। आज जिसको हम विकृत समझते हैं जी। ये आज से 50 साल पहले भी था। अच्छा, उस समय भी छेड़छाड़ होती थी। हाँ हाँ। उस समय भी सब कुछ होता था। नजरिया उस समय ये था, अरे मनोविनोद है भाई, ये तो होली पे चलता है, क्षणिक है, एक दिन का, क्षणिक है, एक दिन का छूट है। हम जब होली जलती थी तो बच्चे लोग हमारे बराबर के गालियां बकते थे, तो हम घर पे आ जाते थे, तो वो कहते, हमारी दादी हमसे कहती कि वापस क्यों आ गया, होली में जाना, वहाँ तेरे बराबर के बच्चे हजम ने कहा वो गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। अरे क्या, आज तो बेटा गंदी गालियां ही बकते हैं, आज कोई बुराई नहीं है इसमें, तू भी बक। तो ये समय था वो, और आज हम उस चीज को द्वेष निकाल लेते हैं, बड़ा पुरानी अदावतें, दुश्मनियां, ऐसा कुछ माहौल सामने आता है। ये तो अब क्या है कि नजरिया लोगों का अपना है कि इस समय इसको भंग पिला दो और इसको जो है होली के बहाने कीचड़ में डाल दो और मजाक का तो मजाक हो जाएगा साहब। ये मैंने प्रारंभ में आपसे ये कहा था कि 50 साल का पहले का जी जनमानस बहुत सहज भाव का था, ठीक है, और आज ये पढ़ा लिखा जनमानस बहुत विकृतियों से घिरा हुआ है। चलिए, समाप्त करने से पहले मैं आपसे फिर एक लोग है मेरा, क्योंकि थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, लो भी हूँ, साहित्य है, पिताश्री का है, भाई साहब का है, थोड़ा सा कुछ और सुना दें तो अच्छा लगेगा। नहीं, आप जरूर सुनिएगा, मैं आप चाहें तो नारी के सौंदर्य पर भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और वो संयोग और वियोग दोनों पक्ष होते दोनों हैं श्रृंगार के, तो उन्होंने वियोग भी लिखा कि मैं किण संग होली खेलवरी मेरे शाम बसे परदेश, क्या बात, मेरा मन रो दर्पण तोड़ दियो कुब जाने दे कर ठेस। तो ये उन्होंने वियोग में लिखा। और वैसे सामान्य महिला का वर्णन करते हुए, वैसे अपन सौंदर्य लहरी अगर पढ़ें तो आदि शंकराचार्य ने तो पार्वती जी के नक्ष का पूरा वर्णन किया है और खुला वर्णन किया है। तो उसी पद्धति पर जैसे ये आन बान शान देखो नैनन के बान देखो भोहे कमान देखो हरत प्राण आतुरी और यौवन उफान देखो कुचन को उठान देखो अधरन पर पान देखो मुस्कान अति माधुरी अलकन मह कान देखो अलकन गुंजान देखो सुंदर नौजवान देखो शोभा खान चातुरी सुधा कर समान देखो माया की खान देखो भोग को विधान देखो मस्तान सी पातुरी। और ये श्रृंगार वर्णन के साथ ही फिर उन्होंने ये भी अपनी भक्ति मार्ग से जोड़ा कि होली खेलन ने नंदलाल बना मारे महल पधारो जी, क्या बात, महल पधारो मारे महल पधारो महल पधारो सांवरिया मारे महल पधारो जी। ये लौकिक दुनिया, ये मिठास, ये हृदय को छूने वाली रचनाएं हैं। और इसी तरह से फिर उन्होंने अपने आध्यात्मिक, वो आध्यात्मिक और दर्शन में भी डूबे हुए थे, तो उन्होंने
चाहे सूफिया ना मान लें अपन, उड़त है मन मंदिर में मनमोहन संग रंग। क्या बात, मनमोहन संग रंग उड़त है, मनमोहन संग रंग उड़त है मन मंदिर में मनमोहन संग रंग। विरह की जल रही होली और ठिठोली मच रही सुख मन संग, उड़त है मन मंदिर। तो ये सारा इन्होंने प्रेम लगन भरपूर लगी है, ब्रह्म रंध्र में ज्योति जगी है, माया ममता दूर भगी है, देख अनोखो ढंग उड़त है मन मंदिर में मनमोहन संग। यहाँ पूरा ज्ञान मार्ग उन्होंने, हाँ हाँ यही होली है अपनी, हाँ हाँ याद प्रियतम की जपनी, पहन सुधा कर तन पर कफनी, कर विषयन से जंग उड़त है मंदिर में मनमोहन से। बहुत सुंदर, यहाँ तक वो ले आए थे। तो समय का अभाव जीवन में बहुत रहता आया है, तो मैं तो बौरा साहब से गुजारिश करूँगा कि हमें फिर आप नवाजें, फिर आप एक बार और आएं और ऐसी अच्छी बातें और जानकारियाँ और श्रृंगार जो श्रोताओं तक आपके माध्यम से पहुंच रहा है वो हम और भी ज़्यादा सामने ला सकें। उसी के साथ आपका आभार, आप सबका बहुत बहुत आभार, जन सरोकार मंच का आभार, और मेरे स्नेही अशोक जी सक्सेना का और देवेंद्र जी जोशी का भी बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।